हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज फिर एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट का है। चाइल्ड डेवलपमेंट में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी वंशानुक्रम और वातावरण। तो अगले चैप्टर में आज हम लोग बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन की, यानी लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो बच्चों, सेक्स डिटर्मिनेशन से पहले एक टर्म आता है कंसेप्शन। कंसेप्शन जैसा कि पिछले उसमें पढ़ा था तो था कि फीमेल का जो ओवम है और मेल का जो स्पर्म है उनके मिलने से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और इसी समय जो है ये निर्धारित हो जाता है कि जो जन्म लेने वाला संतान है वो लड़का होगा कि लड़की। तो इसी चीज़ को कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन से पहले जान लो बच्चों कि मेल के बॉडी में 23 जोड़े, यानी 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को देखा जाए तो मेल की बॉडी में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, जिसको एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम कहते हैं, जबकि फीमेल की बॉडी में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं और ये क्रोमोसोम दोनों एक्स एक्स ही होते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लो कि मेल की बॉडी में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं जो कि एक्स और वाई होते हैं, और फीमेल की बॉडी में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं जो कि एक्स और एक्स होते हैं। यानी टोटल जो संतान होगी उनकी बॉडी में 46 क्रोमोसोम, 46 जो है क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 46 होंगे। यानी 23 जो है वो मदर से आएगा और 23 जो है फादर से आएगा, तो यानी टोटल 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। बच्चों, ये क्रोमोसोम्स, ये जैसे आप देख रहे हो, ये क्रोमोसोम्स पर छोटे छोटे जीन्स लगे होते हैं, और इन जीन्स में ही जो है, ये जीन्स ही जो होते हैं जो अनुवांशिक गुण हैं माता पिता के, जैसे लंबाई, आँख का रंग या जो भी चेहरे का कलर, ये सारी चीज़ों के वाहक होते हैं। और यही जीन जो होते हैं वो संतान में इन अनुवांशिक गुणों को ले जाने का काम करते हैं। तो इस चार्ट के फॉर्म से अब आप इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए कि अब सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है। यानी अगर गर्भ में पलने वाला जो संतान है वो लड़की है कि लड़का है, इसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है, इसको हम एक चार्ट के फॉर्म में देखेंगे। जैसे ये मेल है और ये फीमेल है। मेल में बच्चों हमने पहले ही बताया था कि मेल में दो क्रोमोसोम है, एक्स और वाई, और फीमेल में है एक्स और एक्स। देखिए, मेल का जो क्रोमोसोम है वो डिफरेंट होता है, यानी फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम है लेकिन मेल में एक्स और वाई है। ये जो वाई ही है यही सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करता है, यानी लड़का होगा या लड़की ये किस पर निर्धारित करता है? मेल के क्रोमोसोम पर, जैसा कि देख सकते हो। अब ये जो चार्ट बना है इसके अकॉर्डिंग देखो कि अगर कंसेप्शन होता है तो उसमें ये जो क्रोमोसोम्स, अगर एक्स मेल का एक्स यानी एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मिलेगा तो क्या होगा? वो होने वाली संतान लड़की होगी। यानी एक्स क्रोमोसोम मेल का और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम अगर मिलता है, आता है, तो होने वाली संतान लड़की होगी। उसी तरह से अगर मेल का वाई क्रोमोसोम और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम अगर आता है तो होने वाला संतान लड़का होगा। यानी वाई जो है वही निर्धारित करता है लड़का होने के लिए, यानी लड़के के लिए वाई और एक्स का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। फिर अगर मेल का ये वाला एक्स क्रोमोसोम और मदर का ये वाला एक्स क्रोमोसोम अगर मिलता है तो होने वाली संतान क्या होगी? लड़की होगी। लेकिन मेल का वाई क्रोमोसोम और फीमेल का ये एक्स क्रोमोसोम मिलता है तो होने वाली संतान लड़का होगा। जैसे कि देख सकते हो, इस एक्स प्लस एक्स यानी मेल का एक्स फीमेल का एक्स इज इक्वल टू गर्ल, यानी गर्ल चाइल्ड, और मेल का फीमेल का एक्स और मेल का वाई, होने वाला जो संतान है वो बॉय होगा।
तो इस तरह से सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए वाई क्रोमोसोम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कहने का मतलब है कि गर्भ में होने वाला संतान लड़का है तो उसके लिए वाई क्रोमोसोम ही जिम्मेदार होता है, जो कि पूरी तरह से मेल में पाया जाता है। यानी कि फिर से हम देख लेते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन को हम इस तरह से डिफाइन कर लेंगे कि ह्यूमन बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं मेल में 23 पेयर यानी 23 पेयर जो कि एक्स और वाई होते हैं, फीमेल में 23 पेयर यानी एक्स और एक्स होते हैं, यानी कि इसमें दोनों एक्स क्रोमोसोम है और इसमें एक्स वाई क्रोमोसोम है, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम्स बॉडी में होते हैं। कंसेप्शन के दौरान मेल का 23 जोड़ी क्रोमोसोम और फीमेल का 23 जोड़ी क्रोमोसोम, यानी संतान में 46 टोटल 46 क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होता है, और 46 में जो वाई वाला क्रोमोसोम है वही सेक्स का डिटर्मिनेशन करता है, यानी कि इसको सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम भी कहते हैं। अब देखो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्रोमोसोम्स होते हैं, इन क्रोमोसोम्स पर छोटे छोटे जीन होते हैं और ये जीन ही जो होते हैं वो अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं, यानी कि यही जो जीन है वो संतान में माता पिता के गुणों को ले जाने का काम करते हैं। जब एग फर्टिलाइज होगा तो मेल से एक्स और वाई क्रोमोसोम और फीमेल का एक्स एक्स क्रोमोसोम, तो अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मिलेगा तो जो लिंग का निर्धारण होगा वो लड़की होगी, यानी होने वाली संतान लड़की होगी, और अगर मेल का वाई और फीमेल का एक्स अगर मिलता है तो होने वाला संतान लड़का होगा। ठीक उसी की तरह से अगर मेल का एक्स और फीमेल का एक्स मिलता है तो होने वाली संतान लड़की होगी, और अगर मेल का ये वाई और फीमेल का ये एक्स अगर मिलता है तो होने वाला संतान लड़का होगा। इसी को हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा और इस लॉकडाउन पीरियड में खुद को सेफ रखिएगा। थैंक यू।